तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में। आज मैं इसे करेंट अफेयर्स की क्लास भी कह सकता हूँ और इसे मैं मिसलेनियस जीएस या स्टील जीएस की क्लास भी कह सकता हूँ, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं वो हर बार और हर एग्ज़ाम में आपके सामने आया करेंगी। तो ये करेंट अफेयर्स तो हो सकता है, लेकिन करेंट अफेयर्स ये है नहीं। आपको करंट अफेयर्स जैसा लगेगा, लेकिन ये करंट अफेयर्स है नहीं। ये जो भी चीज़ें हैं आपको हर एग्ज़ाम में और हमेशा काम आएंगी। तो समय गंवाए बिना शुरू कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर पहले मैंने बहुत सारे इंडेक्स लिखे हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं ना, जेंडर गैप इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इस तरह की चीज़ें हैं। कौन जारी करता है और उसके पैमाने क्या हैं, क्या उसके बेस हैं, इसके बारे में मैं एक बार सभी को आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ तरह तरह के अवार्ड हैं, जैसे गांधी शांति अवार्ड क्या है, तो इंदिरा गांधी शांति अवार्ड क्या है, तो गांधी जी के नाम पर कुष्ठ अवार्ड क्या है, तो राष्ट्रीय एकता अवार्ड किसके नाम पर है, क्या है और किसे दिया जाएगा, तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद फिर ये सालाना अवार्ड दिए जाते हैं, ये सालाना इंडेक्स आते हैं। तो जब इंडेक्स पूछेगा कि इसमें इंडिया की क्या रैंक है, इसमें टॉपर कौन है और इसमें लूज़र कौन है, वो अलग से हम आपको बताएंगे। फिलहाल इनका जो बेस है वो उसकी डिस्कशन हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपसे किसी भी तरह के पैसे की मांग कभी भी नहीं करेंगे, सब कुछ फ्री है आपके लिए। तो खैर, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स या रहने लायक शहरों की सूची। आपको ध्यान होगा कि पिछले 8-10 साल से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है रहने लायक शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर या सबसे पहले नंबर पर आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले नंबर पर आ रही है, ठीक है। तो रहने लायक शहरों की जो लिस्ट जारी करता है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, एक न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स, उसी की एक यूनिट है या उसी की एक ब्रांच है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है ना। अब मैंने लिखा 5। अब ये जो रहने लायक शहरों की जो लिस्ट जारी की जाती है उसके 5 बेस हैं या उसके 5 स्टैंडर्ड हैं, 5 पैमाने हैं जिनके आधार पर ये लिस्ट जारी की जाती है। ये 5 पैमाने कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, यानी कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशन के मौके वहाँ पर कैसे हैं, शिक्षा, इंफ्रा। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं बहुत शॉर्ट में लिख रखी हैं, ताकि बोर्ड पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाए और मैं बारी बारी आपसे उससे डिस्कस करता रहूँ। एक तो यह है कि मेरी फ्लो ना टूटे, दूसरा मैं कुछ आपको गलत ना बताऊं। तो आप लोग कॉपी पेन लीजिएगा और मेरे साथ उसको लिखते रहिएगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जो जानते ही हो, बिजली, पानी, सड़क, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, यानी कि शहर का जो आधारभूत ढांचा है वो कैसा है। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर शांति है, वहाँ पर कोई बलवा, आतंकवाद, टेरर, अपराध जैसी व्यवस्था तो नहीं है, वो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो स्टेबिलिटी का मतलब शांति, कानून व्यवस्था। संस्कृति और पर्यावरण, पर्यावरण तो आप समझते ही हैं कि वहाँ पर पोल्यूशन तो नहीं है, पोल्यूशन का स्तर कितना है। कल्चर का मतलब ये है कि लोग कितने एक्चुअली खुशहाल हैं। देखिए, सांस्कृतिक गतिविधियों में हम कब भाग लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के? जब हमारे पेट में रोटी होती है ना, हम तनाव मुक्त होते हैं। तो संस्कृति और पर्यावरण ये दोनों एक ही हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 बेस हो गए किसके? रहने लायक शहरों की जो इंडेक्स हम जारी करते हैं उसके लिए। कौन जारी करता है इसको? इकोनॉमिक टाइम्स का इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। अब आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये हर साल चर्चा में रहता है ना कि प्रेस का मतलब किसी भी तरह का मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो सारा का सारा प्रेस ही हुआ। तो प्रेस कितनी आज़ाद है? अच्छा, प्रेस की आज़ादी के पैमाने भी अलग अलग हैं। जैसे जो पत्रकार हैं उन पर, उनको कितनी आज़ादी है लिखने की, आज़ादी कितनी है, क्या उनका, उनको डराया तो नहीं जाता है समाज में किसी वर्ग विशेष से या सरकार के द्वारा सीधे या टेढ़े रास्ते से, जिसे मैं ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रास्ते से, उनको डराया तो नहीं जाता है। या खबरें छापने की कितनी आज़ादी है, या खबरें कितने निष्पक्ष तरीके से छप रही हैं, या खास खास खबरें जो हैं समाज के सामने आनी चाहिए उनको कितना छुपाया जा रहा। बहुत सारे पैमाने हैं जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आते हैं। तो आपसे पूछेगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक जो है कौन जारी करता है? ये पेरिस का एक NGO है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है। कहाँ का NGO है? पेरिस का, ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप मेरे साथ बैठे हैं और आप शॉर्ट नोट्स बनाएं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को इसी तरह से लिखें। अगर आपको जो चीज़ याद है वो आप ना लिखें, जो चीज़ आपको याद है या पहले कहीं आपने नोट कर रखी है उसको आप ना लिखें। आपने क्या करना है, जैसे मैंने रहने लायक शहर लिखा है मैंने, तो आप सिंपल आप ये लिख सकते हैं शहर, अपना हेडिंग आप शहर डाल सकते हैं
और शहर के आगे जैसे ये लिखा है ना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, अगर आपको रटा हुआ है कि ये जारी करता है तो इसको मत लिखिए, वो शॉर्ट में अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख दें इको INT बस, तो इको से इकोनॉमिक्स हो जाएगा, INT से इंटेलिजेंस हो जाएगा, यू से यूनिट हो जाएगा। तो बाद में देखिए जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा, सभी को पढ़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है रिवीजन में आपको टाइम लगेगा। ये तरीके हैं पढ़ने के, है ना, ये तरीके हैं पढ़ने के, याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है बालक, है ना। जैसे भारत की सीमाएं सबसे ज़्यादा किससे लिखती हैं कि मेरा बचपन से ही MBA करने का सपना था, कुछ एक हैं जहाँ पर हम जो है ट्रिकी बना लेते हैं, उसके फार्मूले बनाते हैं, है ना। तो लेकिन हर जगह ये तरीका नहीं है, सही तरीका जो है याद करने का ये है, चीज़ों को बार बार पढ़ना है और छानना है। छानने का मतलब यही है कि आप अपने नोट्स को छोटा करते जाइए, जो चीज़ें आपको याद हो रही हैं उनको साइड कर दीजिए, और जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, बार बार आ रही हैं, कन्फ्यूजिंग आ रही हैं, उनको आप लिखते जाइए और शॉर्ट करते जाइए, लेकिन 3 महीने में एक बार अपने जो डिटेल्स नोट्स हैं उनको जरूर दोहराइए, ठीक है। तो आप आगे 5 लिख सकते हैं, और स्वास्थ्य को आप हेल्थ, सिंपल हेल्थ फॉर एजुकेशन, हेल्थ फॉर हेल्थ, ई फॉर एजुकेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लिख सकते हैं, C&E लिख सकते हैं, कल्चर और इन्वायरमेंट, आपके अपने तरीके हैं। जैसे वो शॉर्ट हैंड वाले पत्रकार वाले लिखते हैं ना शॉर्ट में न्यूज़, तो आप इस तरीके को ऐसे कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लकीर का फ़कीर बनना है, सारी चीज़ें रटनी है, ऐसा नहीं है, या सारी चीज़ें लिखनी है, इसको आप अपने तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, अच्छा जैसे मैंने यहाँ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लिखा तो आप सिंपल प्रेस लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ही आता है, और कुछ तो आता नहीं है, है ना, तो सिंपल आप प्रेस लिख सकते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है NGO है ये, कुछ और तो है नहीं, तो यहाँ पर आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और मुझे तो रटा हुआ है, मैं तो अब्बल तो लिखूंगा नहीं, और जैसे मान लीजिए मेरा कोई 1 साल पुराना स्टूडेंट है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो वो लिखेगा सिंपल विदाउट बॉर्डर, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने तरीके हैं। तो ये जारी करता है, अब UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, UNO का है ये, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। अच्छा कल एग्जाम हुआ ना EO का, तो आपने बहुत सिली जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं बेवकूफाना, मूर्खतापूर्ण गलतियाँ की हैं, मैंने पेपर देखे हैं, मूर्खतापूर्ण गलतियाँ की हैं, है ना, समझ रहे। तो जैसे अब मैं क्या बताऊँ, एक बच्चे ने जो लैंडर है ना Chandrayaan-3 का, उसका नाम दिया शक्ति, मतलब हम पढ़ा रहे हैं वीडियो में भी लिख रहे हैं लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम, है ना, लेकिन वो क्या लिख आ रहा, शक्ति। तो ये बेवकूफाना गलतियाँ हैं, इसके लिए तो आपको कोई माफ़ नहीं कर सकता एग्जामिनर, नहीं हम तो माफ़ कर ही देंगे, हमें क्या करना, लेकिन अगर इस तरह की गलतियाँ कर रहे हो तो फिर मामला गड़बड़ है ना। तो आसान सवाल तो गलत होने ही नहीं चाहिए, कठिन हो जाए गलत, नए सवाल हो जाए गलत, है ना। चिपको आंदोलन किस फैक्ट्री के अगेंस्ट हुआ, नहीं पता, नहीं पता किसी को भी, नहीं पता गूगल को भी, नहीं पता गूगल भी कह रहा है भाई मुझे तो ना पता, गूगल से बार बार पूछ रहे लेकिन कह रहा है मुझे तो ना पता, है ना, सर्च अनदर, तो किसी को ना पता, अब सबको पता चल जाएगा, वो आएगा ही ना, फिर को नया पूछेगा, है ना। तो नए क्वेश्चंस के लिए आप लोग जान ना दें, लेकिन जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो अब ये 1990 से जारी हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, UNDP का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, HDI माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक, मानव विकास का स्तर किस देश में कितना है इसको जानने के लिए UNDP एक इंडेक्स जारी करता है, उसे HDI इंडेक्स कहते हैं, 1990 से ये जारी हो रहा है। अब इसको जानने के लिए 3 पैमाने हैं, एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। देखो सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि उसके कितने पैमाने हैं, 3 हैं, इसमें से कौन सा नहीं है, स्वास्थ्य और क्या है, शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। इन तीनों पैमानों के आधार पर वो आपको बताएगा कि किस देश में इंसान का डेवलपमेंट कितना हुआ है। अब उसने स्वास्थ्य के लिए किसे मापा है, एक ही है, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा का मतलब यह है कि पैदाइश के समय कितनी उम्मीद है कि आप कितना लंबा जियोगे, है ना, इसको जीवन प्रत्याशा को कभी ये भी लिख देता है कि दीर्घावधि आयु या लंबी और स्वस्थ आयु, ऐसे ही बोल देता है ना, लंबी और स्वस्थ आयु, ठीक है। दूसरा शिक्षा, अब शिक्षा के उसने दो हिस्से कर दिए, एक नामांकन और दूसरा औसत ठहराव, शॉर्ट में लिखा है मैंने। नामांकन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए बच्चा 4 साल का हो या 3 साल का या 5, अब तो 3 साल का बच्चा बाल वाटिका में जाएगा और 6 साल का बच्चा, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली, तो उसमें 6 साल के बच्चे का एडमिशन होगा कक्षा 1 में, लेकिन उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाएगी 3 साल से,
उसकी स्कूलिंग 3 साल से शुरू हो जाएगी। वो 3 साल में वो बाल वाटिका या आंगनवाड़ी या UKG LKG जिसे आप कहते थे उसमें जाएगा, ठीक है। उसके बाद कक्षा 6 में आएगा, वो 6 साल का हो जाएगा तो कक्षा 1 में आएगा, ठीक है। तो 6 साल से हम शुरू करते हैं। तो अब 6 साल या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं जो इन्हें स्कूल कॉलेजों में जाना चाहिए था, उसमें से कितने परसेंट बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, नामांकन यानी कितने परसेंट बच्चों का नामांकन स्कूलों में हो गया। अब नामांकन तो हो गया लेकिन वहाँ से नाम कटा के भाग तो नहीं रहे हैं, कक्षा 1 में 1 दिन गए उसके बाद गए नहीं, या 10th फेल हो गए उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर यह है कि स्कूलों में ठहराव के वर्ष कितने हैं, तो जितने ज़्यादा वर्ष ठहराव के होंगे उतना ज़्यादा एजुकेशन उसकी बेहतर होगी। तो दो हैं, एक तो स्कूलों में नाम कितनों का लिख रहा है और दूसरा जिन लोगों का नाम लिख रहा है उसमें से कितने स्कूलों में ठहर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर को मापता है प्रति व्यक्ति आय डॉलर में और क्रय शक्ति समता के आधार पर, ठीक है ना। जो होती है ना प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति समता के आधार पर, यह मैंने लिखा नहीं है, लिखते लिखते मैं अब मुझे ध्यान आया यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय मापेगा वो क्रय शक्ति समता के आधार पर मापेगा। तो तीन स्तर, तीन लेवल हो गई है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अब जीवन स्तर मापने के अलग अलग पैमाने होंगे कि आपके पास वाहन है या घर पे लिंटर है या नहीं है, बिजली पानी की सुविधा है या नहीं है, अलग अलग पैमाने हैं। तो उसको हम लिविंग स्टैंडर्ड या जीवन स्तर कहते हैं, ठीक है। उसको मापता है किसको, प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय से क्यों माप रहा है, उसने कहा अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो सुविधाएँ ज़्यादा जुटा लेंगे, है ना भाई। अब आपके पास पैसा नहीं है, पैदल चल रहे, थोड़ा पैसा आया साइकिल खरीद ली, फिर थोड़ा पैसा आया बाइक खरीद ली, कार खरीद ली, तो ये तो है। घर पे छप्पर था, यू नो छप्पर, छप्पर सभी जानते होंगे ना। उसके बाद पैसा आया लिंटर हो गया, फिर पैसा आया तो बिल्डिंग बना ली। तो प्रति व्यक्ति आय से, और प्रति व्यक्ति आय किस में, क्रय शक्ति समता के आधार पर डॉलर में, ठीक है। अब इसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं इस इंडेक्स में, जो मार्क्स दिए जाते हैं वो 0 से 1 तक दिए जाते हैं, यानी कि जब अत्यधिक निम्न मानव विकास होगा तो 0। अब 0 वाला तो कोई है नहीं और 1 वाला भी कोई नहीं है, पूर्ण मानव विकास की स्थिति में भी कोई नहीं है और 0 मानव विकास की स्थिति में भी कोई नहीं है। पूर्ण तो है नहीं, अति उच्च है, अगर नंबर 1 पा लिया आपने तो पूर्ण हो गया, है ना। इसके अलग अलग पैमाने हैं, निम्न है, मध्यम है, उच्च है और अति उच्च है, 4 पैमाने हैं इसके। मैंने कहीं लिखा है, हाँ लिखा शायद है, अति उच्च वेरी हाई, फिर हाई, फिर मीडियम और फिर कम। इसमें 4 रैंक हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, है ना। अच्छा आजकल तो मार्क्स, वाह 90%, 95%, आजकल के बच्चों को मार्क्स देख के हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार इतने मार्क्स कैसे आते होंगे। फिर पैटर्न देखते हैं हम एग्ज़ाम का, अच्छा पैटर्न इस तरह का हो गया। हमारे यहाँ होती थी गुड सेकंड, मतलब फर्स्ट तो राजा होता था। अमन भाई हैं आप भी हमारे समय के हो ना, तो फर्स्ट तो राजा होता था। गाँव में दावतें होती थी फर्स्ट डिवीजन आने के बाद, बच्चे की अगर फर्स्ट डिवीजन आ गई है तो गांव में दावतें हो गई थी। और हम जैसे जो थर्ड डिवीजन पास हुए तो उन्होंने पूरे मौसी मिलने आ रही है, बच्चे ने 10 पास कर लिया, हालांकि मैं थर्ड डिवीजन पास नहीं हुई, ठीक है। तो हम जैसे हमारी उम्र के जैसे मान लें थर्ड डिवीजन, तो मौसी आ रही हैं, बुआ आ रही हैं मिठाइयाँ लेके, बच्चा 10वीं पास हो गया, बच्चा 10वीं पास हो गया, हाँ लोगों ने नज़र रखनी शुरू कर दी, फला का बच्चा पढ़ रहा है। जिनकी बेटियाँ होते हैं बड़ी रही हैं ना, तो नज़र रखने शुरू कर देते हैं, फला का बच्चा पढ़ रहा है। एक स्टेज के बाद अभी तक पढ़ रहा है, एक स्टेज के बाद क्यों इमरान जी अभी तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर वो नज़र फेरना शुरू कर देते हैं, अभी तक पढ़ रहा, कब तक पढ़ेगा, ये तो पढ़ ही रहा है अमन जी, अमन जी, अमन सक्सेना बैठे हुए सामने, जो लोग जानते होंगे अभी तक पढ़ रहे हैं बाबू जी। कहना गुरु जी हार नहीं मानेंगे, कहना गुरु जी जब तुम हार नहीं मानेंगे तो हम भी हार नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कहाँ थे, थोड़ा सा मजाक भी हो गई, कहाँ थे, इंडेक्स 4 लेवल है ना इसके, हाँ तो हाँ हम यहाँ थे। तो हमारे ज़माने में होती थी सर गुड सेकंड, अरे वाह गुड सेकंड डिवीजन पास हो गया, है ना, और फर्स्ट डिवीजन तो राजा। और अगर खुदा न खास्ता किसी डिटेंशन आ गई तो वो जिला टॉप करता था भाई, डिटेंशन वाला जिला टॉप कर लेता। ओके तो इसके 4 लेवल हैं, अति उच्च, उच्च, मध्यम और कम। इनके मैंने मार्क्स नहीं लिखे, 0 से 1 इंडेक्स है ना। तो अगर आपके इंडेक्स में, इंडेक्स को हिंदी क्या कहते हैं, सूचकांक, अगर आपका सूचकांक जो है 0.550 से कम है, 0.550 से कम अगर आपका इंडेक्स है तो आपके यहाँ मानव विकास जो है वो कम है। आपका इंडेक्स जो है 0.8 से ज़्यादा है, 0.8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ मानव विकास अति उच्च है। यूरोप के और पश्चिमी देश बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ खाड़ी के देश भी हैं जहाँ पर मानव विकास उच्च स्तर पर है, लेकिन पूर्ण किसी में भी नहीं है, ध्यान रखना। तो 4 कैटेगरीज की, भारत जो है मध्यम कैटेगरी में है ना, कम के बाद क्या है, मध्यम। तो भारत जो है, ये सवाल आता है कि भारत मानव विकास की किस कैटेगरी में है, मध्यम से कैटेगरी में। भारत में मानव विकास की जो स्थिति है मीडियम या मध्यम। ओके अब इसमें 1 नंबर है ना, तो ये 3 अलग अलग, जैसे स्वास्थ्य है
और क्या है जीवन स्तर और शिक्षा, तो इन सभी का जो वेटेज है इसमें, भारांश इसमें जो है वो 1/3 है, उसको 0.33 लिखे या 1/3 लिखे तो उससे कन्फ्यूज मत होना, इसमें तीनों को समान वेटेज दिया गया। ओके, कुछ पूछना है सर? पूछना तो बताइए, किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, अब आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। कौन जारी करता है इसको? लंदन का एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, देखो बहुत ये सवाल कभी गलत ना हो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है, एचडीआई इंडेक्स कौन जारी करता है, ये कभी गलत ना हो, ठीक है। दूसरा, इस साल ये इंडेक्स में भारत का कितनी रैंक है, इसमें सबसे ऊपर कौन है सबसे नीचे कौन है, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो चाहे आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए। हाँ, अगर ये गलत हो जाते हैं, इसमें भी स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर ये गलत ना हो, अगर आपसे पूछ ले कि भाई जीवन स्तर क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर माप रहा है, इसमें कितनों किसको कितना वेटेज दिया गया है, या ये पूछ ले कि भाई ये वेरी हाई कितना होता है 0.8, ये अगर गलत हो रहा है तो एक बार को माफ़ी है, इसमें अक्सर गलत हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, दो एक सब्जेक्ट तो आपके अच्छे होंगे ही, है ना, जैसे मुजारियान आ गया, मुगल काल में मुजारियान कौन होते थे, एक तो यह है ना कि जैसे जैसे, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, जैसे जैसे यूपीएससी पीएससी में मल्टीपल चॉइस को या शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, जो पुराने ज़माने के होते थे ना 700-750 वर्ड्स में लिखना, ऐसे लिखना, फिर 350 वर्ड्स में या 400 वर्ड्स में लिखना, जैसे जैसे वो पैटर्न ख़त्म हो जा रहा है ना संश्लेषण विश्लेषण टिप्पणी समीक्षा का, वैसे वैसे हमारी जो पढ़ने का जो लेवल है ना वो गिरता जा रहा है। अब जब नया पैटर्न आ रहा है ना जिसमें 50 शब्दों में या 100 शब्दों में 150 शब्दों में आंसर लिखने हैं ना, तो कोई टीचर आपको नहीं बता रहा मुजारियान क्या है, क्यों पूछते ही नहीं है कि मुगलकालीन अर्थव्यवस्था बताइए या तुगलककालीन अर्थव्यवस्था बताइए, तो बताने नहीं है, लेकिन पीटी में आपसे पूछ रहा हूँ मुजारियान, भाई मुगल काल में जो ठेके पे खेती करते थे, है ना, आर्थिक वो होते थे जो बटाई में खेती करते थे आर्थिक, है ना, मुजारियान वो होते थे जो दूसरे की ज़मीन पर ठेके में खेती करते थे, ठीक है ना, और दूसरे गांव में जाकर के खेती करते थे, उसमें सवाल ये आया कि मुजारियान का संबंध किससे, कल के पेपर में तो कृषकों से है, अब जब हमने वो पढ़ाया नहीं तो आप कैसे लोग, हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि उसके अब डिमांड नहीं है, लेकिन अब टीचर के सामने या दुविधा है ना, उम्मीद वो कर रहा है स्टूडेंट से कि ना स्टूडेंट को कह रहा है कि वनडे का मतलब बहुत आसान, लेकिन पेपर दे रहा तुम्हें आईएएस का मेंस का, तो क्या करें, है ना, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाह रहा ज़्यादा, स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ाने लोग वो तो कहता रहे बड़ा कठिन पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। ओके, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जारी करता है, इसमें जो मार्क्स दिए जाते हैं ये इंडेक्स जो होता है वो 0 से 100 तक होता है। देखो मानव विकास में क्या 0 से 1 तक है, इसमें कितना है 0 से 100 तक अंक दिए जाते हैं। अब इसमें अगर आपको अधिक अंक मिल रहे हैं तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार कम है, जैसे यहाँ भी आप देखो ना 0 से 1 तक है ना, आपका मान जितना ज़्यादा जा रहा है, जैसे 0.8 से ज़्यादा है तो आप अति उच्च मानव विकास की कैटेगरी में है, तो यहीं पर अगर आपको इसमें नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, इसमें नंबर रैंक नहीं ध्यान रखना रैंक नहीं, इसमें इंडेक्स में नंबर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं यानी कि आपके यहाँ भ्रष्टाचार कम है। अगर आपको 100 नंबर मिल गए तो इसका मतलब आपके यहाँ 0 भ्रष्टाचार है, अगर आपको नंबर कम मिल रहे हैं इसका मतलब भ्रष्टाचार आपके यहाँ ज़्यादा है, अगर आपको 0 नंबर मिले हैं इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, पूर्ण भ्रष्ट हैं आप, वाली ठीक है ना, आप पूर्ण भ्रष्ट हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है 0 अंक का मतलब पूर्ण भ्रष्ट, ठीक है, 100 का मतलब है 0 भ्रष्टाचार, कम अंक का मतलब खराब स्थिति, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपका जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, लिंग असमानता सूचकांक, है ना, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है तो देखा भी जाएगा भाई, अब मैंने यहीं जैसे यहीं पे कहूँ तो हमारे यहाँ सबसे पहले कौन आए, 2 बॉयज़ आए, अंतर यहीं पर चल रहा है सर, क्योंकि आपके पास खुद का साधन है आने जाने का, उनको किसी को ऑटो में आना है, किसी को भैया छोड़ के आएंगे, किसी को पापा छोड़ के आएंगे, किसी को कोई कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या करेगी जाके, अभी तो कोई आया नहीं होगा, है ना, किसी ने टुक टुक से आना, तो अंतर आपको यही दिख रहा हो, दिख रहा अंतर आपको यही दिख रहा है सर, है ना। तो खैर, लिंग असमानता सूचकांक का मतलब ये है कि बराबरी के मौके आपको, आगे बढ़ने के मौके आपको कितने बराबर मिल रहे हैं, पुरुषों और स्त्रियों को मौके कितने मिल रहे हैं, कितने बराबर मिल रहे हैं, तो लिंग असमानता सूचकांक जो है वो WEF जारी करता, विश्व आर्थिक मंच, WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है लिंग असमानता सूचकांक जारी करता है, इसके 4 आधार हैं, इसके 3 आधार थे, इसके 5 आधार हैं, इसके 4 आधार हैं, ठीक हो। अभी तुम्हारा 17 तारीख को एग्ज़ाम है ना, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि किसके कितने आधार हैं, तो है ना, इसके 5 हैं या इसके 4 हैं,
इसको मत देखो, लेकिन इसके तीन हैं ये ज़रूर याद रहनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसके चार आधार हैं, आगे जब तुम आईएएस का एग्ज़ाम दोगे या स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें मुझे दोबारा ना पढ़ाना पड़े, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कल मैं ज़रूर मिलूंगा सर आपको टाइम पर, है ना, 8:10 पर क्लास शुरू कर दूंगा मैं। हाँ शाम को डेली पढ़ाऊंगा, आप आइए, मैं आपको हो सकता है 9 तक भी मिल जाऊँ, ठीक है सर। उसकी फीस एक्स्ट्रा नहीं लगेगी वो कह रहे हैं लेंगे तो भी नहीं देंगे, ठीक है। मैं दुआ करूंगा कि आप प्री निकालें, फिर मेंस में मिलेंगे आपसे। मैं दुआ करूंगा आपका प्री निकले, फिर हाँ फिर देखेंगे सर मेंस में आपको, हैं सारी कंजूसी ख़त्म कर देंगे। ये सक्सेना जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो लिंग असमानता सूचकांक या जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व क्या है, विश्व आर्थिक मंच। इसके चार आधार हैं, चार आधार क्या हैं? स्वास्थ्य में जीवन प्रत्याशा कुछ कह रहे हैं आप? तो अभी स्टूडेंट ने याद दिलाया कि हमेशा की तरह फिर से जेंडर की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो जेंडर की स्पेलिंग सही है GENDER। ओके, चलती वीडियो में बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ओके, मेरी इंग्लिश बहुत हैवी है। ओके, तो लिंग असमानता सूचकांक या जेंडर गैप इंडेक्स, तो स्वास्थ्य व जीवन प्रत्याशा पहला आधार इसका, यानी कि आपके बेटा आप यहाँ बैठोगे, दिखाई दे रहा, ठीक है। तो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं आपके पास कैसी हैं, जीवन प्रत्याशा का मतलब अभी बताया मैंने आपको। दूसरा, राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी। अब जैसे हमारे यहाँ आ रहा है ना, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा, विधायिका में आरक्षण दिया जा रहा, तो किस लिए दिया जा रहा? राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा। अब देखिए, अब जैसे कल क्वेश्चन आया कि उत्तराखंड में पहली बार महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायतों में कब दिया गया, वर्ष आप भूल गए, तो अगर आप वर्ष भूल गए तो वो क्षम्य है, लेकिन उत्तराखंड दूसरा स्टेट था, पहला स्टेट बिहार था, दूसरा स्टेट था उत्तराखंड 50% आरक्षण के लिए, वो आप ना भूलें। कब दिया गया? 2000 पक्का, मुझे याद नहीं है, 2008 में दिया गया, हाँ ठीक है 2008 में पक्का है ना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ 2008 में दिया गया महिलाओं को उत्तराखंड में आरक्षण। तो वो ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, वो महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा, मींस राजनीतिक भागीदारी या राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा। तो महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है? राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब ये है महिलाओं को वोट देने के अधिकार से लेकर के चुने जाने की आज़ादी, ठीक है। दूसरा, राजनीति में भाग लेने की उनको कितने मौके मिल रहे हैं, राजनीतिक भागीदारी। अब यही है ना, आप रिजर्वेशन के थ्रू उनको आगे ला रहे हैं तो इसका मतलब उनकी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो लोग जो हैं कि भाई एक महिला कोई बनती है, तो जैसे टीना डावी IAS बनी, तो बहुत सी लड़कियों के लिए वो रोल मॉडल हो गई, उनको देखा देखी उन लड़कियों ने तैयारी शुरू करी। तो ऐसा तो नहीं है कि हर लड़की IAS बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई जॉब कर रही है। वो अगर वो जॉब भी नहीं कर रही है तो उसने जब IAS की तैयारी करी तो वो एक अच्छी नागरिक बन चुकी है। तो यही है भागीदारी, शिक्षा के अवसर और आर्थिक भागीदारी और आर्थिक अवसर। आर्थिक भागीदारी का मतलब ये है कि आपको कारोबार करने की कितनी आज़ादी है, या जैसे परिवार है तो बेटा पैदा होने की खुशियाँ मना रहे हैं ना, क्यों? कि भाई वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, कमाएगा। तो अगर ये आशा हम लड़कियों में भी देखें और उन्हें भी कारोबार चलाने की आज़ादी दें, है ना, तो यही तो है आर्थिक भागीदारी और आर्थिक अवसर। भाई पुरुषों को ही लोन मिल रहा, महिलाओं को भी लोन मिलना चाहिए, है ना। अब आप देखो ना, जैसे बहुत सारे जो है वो स्वयं सहायता समूह है ना, और वो लखपति दीदी योजना जो सरकार की चल रही है, तो आर्थिक भागीदारी को तो बढ़ावा दे रही है, है ना। कितने करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, हैं? और ये 100 करोड़ रिवीजन करो, सब बताया है, ठीक है ना। पहले मैंने क्या लिखा, पहली 2006 में, यानी कि लिंग असमानता सूचकांक जो है पहली बार आया 2006 में, और HDI का UNDP का HDI इंडेक्स कब आया? 1990 में, इसका ध्यान रखना। और एक सवाल और है, कमेंट में बताइए मुझे आंसर करके, मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि भारत ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की, और भारत ने जब अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की तो लंबे समय तक उसमें नंबर एक कौन सा राज्य आता था, कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो को लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। फिर आता समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, ये 2018 से जारी कर रहा है नीति आयोग। सिंपल छोटा सवाल है, बहुत ज़्यादा नहीं आता इसमें। तो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जो है, कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, कौन जारी करता? नीति आयोग, 2018 से ही जारी कर रहा है, ठीक है, क्लियर। किसी ने कुछ पूछना है इसमें किसी ने कुछ पूछना है? अब यहाँ से आगे चलेंगे, एक मिनट रोक दीजिए, थोड़ा सा चाय पी लें, फिर चलते हैं। मैं कहाँ था?
यहाँ पे ना। अच्छा अभी एक बच्चे ने याद दिलाया कि कह रहे हैं महबूबुल हल क्या लिखा हुआ है, तो ये जो है ना आपका UNDP HDI इंडेक्स इस पैमाने के आधार पर होना चाहिए। ये जो बनाया था ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, उन्होंने बनाया था, उसके साथ में अमर सेन भी शामिल थे इस काम को करने में, अमर सेन भी शामिल थे ध्यान रखना, लेकिन जो इसको शेयर दिया जाता है वो महबूबुल हक को दिया जाता है। आपको पता नहीं था ये रबिया? ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है लिटरेचर अवार्ड में। जैसे ये है बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड जो है देखिए दो अवार्ड हैं बुकर, एक बुकर अवार्ड एक बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। तो बुकर अवार्ड सबसे पहले शुरू हो गया था, उसके बाद आया था बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, शायद मैंने इसमें लिखा है कहीं, हाँ सबसे पहले 1969 में दिया गया था बुकर। जैसे हमारे यहाँ ज्ञानपीठ सरस्वती अवार्ड दिए जाते हैं लिटरेचर के लिए, उसी तरह से यहाँ पर जो है वो दिया जाता है बुकर अवार्ड, साहित्य का अवार्ड है ये, इंग्लैंड में दिया जाता है लंदन में 1969 से। ठीक है, उसके बाद एक आता है बुकर इंटरनेशनल, इसको मैन बुकर भी कहते हैं, मैन बुकर, बुकर को मैन बुकर भी बोल देते हैं, तो एक है बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, उसमें अंतर क्या है बाद में बताऊंगा आपको। तो बुकर अवार्ड लिटरेचर का है, 1969 से इंग्लैंड में दिया जा रहा है। ऑस्कर अवार्ड आप लोग सभी जानते हो, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, कहाँ पर दिया जाता है ये, अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ की जो बम्बैया फिल्म इंडस्ट्री है उसको क्या कहते हैं, बॉलीवुड, बॉलीवुड कहते हैं ना, और टॉलीवुड कहाँ की आप लोग जानते ही होंगे, टॉलीवुड, 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 टॉलीवुड कहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं, हैं टॉलीवुड बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे टॉलीवुड कहते हैं, एक लॉलीवुड भी है ध्यान रखना। खैर तो बांग्लादेश की जो फिल्म इंडस्ट्री उसे टॉलीवुड कहते हैं ढाका की। तो हॉलीवुड कहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, अमरीका की है ना, तो लॉस एंजल्स में दिए जाते हैं हॉलीवुड, खास तौर पर ये हॉलीवुड की फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, लेकिन विदेशी भाषा की फिल्मों को भी ये दिए जाते हैं ऑस्कर अवार्ड, इनको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। ये जो मैंने लिखा ना, ये जो ऑस्कर अवार्ड USA में दिए जाते हैं लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में जो दिए जाते हैं इनको एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो दिए गए थे 1929 में दिए गए 1928 के फिल्मों के लिए, एक बार विवाद हुआ था, ऑप्शन आंसर जो था 1928 से ही दिया था, तो इसका सही उत्तर जो ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्कर अवार्ड पहली बार कब दिए गए, तो दिए गए थे 1929 में, लेकिन किस वर्ष की फिल्मों के लिए, 1928 की फिल्मों के लिए। जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है ना आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए, तो 2022 का अवार्ड है, मतलब 23 में अनाउंस हुआ है लेकिन वो 2022 की फिल्मों के लिए है, अनाउंस 23 में हुआ लेकिन वो 2022 की फिल्मों के लिए। ठीक है, आगे चलें, नेशनल फिल्म अवार्ड भारत सरकार देती है, मैं लिखा गॉट, गॉट का मतलब इसको भारत सरकार देती है 1954 से, पहली बार 1953 में जो फिल्में रिलीज हुई थी उनके लिए 1954 में दिया गया था पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, भारत सरकार देती है। और पहला जो पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म का वो था श्यामची आई को, किस भाषा की फिल्म थी ये, मराठी भाषा की फिल्म थी। सवाल खूब आता है, क्या नाम तुम्हारा, मैं भूल गया, चांद, बात समझ आ रही कुछ। तो फिल्मों का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है पहली बार 1954 में दिया गया, और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली जो पहली फिल्म थी वो मराठी भाषा की फिल्म थी श्यामची आई। ठीक है, खैर फिर दूसरा एक बहुत बड़ा अवार्ड है इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड कौन देता है, देखो एक अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, अंग्रेजों के समय का है ये, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ठीक है ना, उसी की एक मैगजीन है फिल्म फेयर, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की मैगजीन है फिल्म फेयर, वो ये अवार्ड देती है। ठीक है ना, उसी के नाम पर इसको फिल्म फेयर अवार्ड के नाम से कहा गया, ये पहली बार 1954 में दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड जो हैं वो दोनों ही पहली बार 1954 में दिए गए थे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब तीसरा आता है IIFA, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। आपको पता है ना, अभी मैंने बताया भी था, इस बार जो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के जो अवार्ड दिए गए लगातार दूसरे साल एक ही शहर में दिए गए, आप बताएं प्रियंका किस शहर में, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के जो अवार्ड हैं वो लगातार दूसरी बार एक ही शहर में दिए गए, इसका मतलब मैंने वीडियो जो पढ़ाई में देखी नहीं आपने, ऑप्शन दूँ, ओके ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, अबू धाबी, अबू धाबी, आप गर्दन ना हिलाएं, और तीसरा ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, और तीसरा पेरिस, चौथा पेरिस,
अब आप बताएं। अबू धाबी में तुमने सुन लिया जी, अबू धाबी, ठीक है, लगातार दूसरी बार। तो भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इसने ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इसका 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 जो सेशन होता है या ये फेस्टिवल जो होता है भारत में, हमेशा विदेश में होता है, इन अवार्ड को कहा जाता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। ठीक है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जैसे आप सुने ना बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, कॉन्स फिल्म फेस्टिवल, तो भारत का जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है प्रियंका, कहाँ होता है हर साल? भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल कहाँ होता है? इधर देख के नहीं बताता है? अच्छा, गोवा की राजधानी पणजी में होता है हर साल, परमानेंट वेन्यू हो गया है उसका, ये गोवा की राजधानी। आप आपसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल कहाँ होता है, तो गोवा की राजधानी पणजी में होता है। ठीक है, ये लिखा है मैंने। और इसमें क्या लिखा है, जी एस पीकॉक। इसमें जो अवार्ड दिए जाते हैं ना वो स्वर्ण मयूर और रजत मयूर के नाम से दिए जाते हैं, जी फॉर गोल्ड, एस फॉर सिल्वर, गोल्डन पीकॉक और सिल्वर पीकॉक। कई बार सवाल पूछता है कि स्वर्ण मयूर और रजत मयूर जो अवार्ड दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? कहाँ दिए जाते हैं भाई? भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिए जाते हैं। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में ना, है ना? तो बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है उसमें जो है गोल्डन और सिल्वर भालू, बियर माने भालू, उसमें गोल्डन बियर और सिल्वर बियर अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, और एक है आपसे दिया है कांस फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस में होता है, कांस में, पेरिस के पास कांस है, ठीक है ना, कांस फिल्म फेस्टिवल, पेरिस के पास या पेरिस में, पेरिस में है ये, है ना, कांस फेस्टिवल, कांस फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस में पेरिस में दिए जाते हैं। और इसमें जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है पाम डी ओर, आधा लाइस में साइलेंट है, पाम डी ओर, ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे ना, वो हमेशा आएंगे, ये ऐसा नहीं है आने वाले जो एग्ज़ाम इसमें आएंगे, हो सकता है इसमें से कुछ भी ना आए आने वाले एग्ज़ाम में, और आगे जाएं तो हो सकता है बहुत कुछ आ जाए। ठीक है, लॉरियस स्पोर्ट्स का, जैसे दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? नोबेल, है ना, तो स्पोर्ट्स का, इसे स्पोर्ट्स का नोबेल तो नहीं कहते खैर, लेकिन स्पोर्ट्स का सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वो लॉरियस है, मैगजीन है एक लॉरियस नाम की, वो देती है। ठीक है ना, अच्छा ये कई बार आ रहा है, लॉरियस ने सदी का सबसे अच्छा खेल पल चुना था, सदी का सबसे अच्छा खेल पल चुना था, सदी का नहीं 20 साल का, सन 2000 से लेके 2020 तक का, यानी कि दो दशक का सबसे अच्छा खेल पल किसे चुना था? तो सर ये था 2011 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था जिसको इंडियन टीम ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में, तो उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को कांधे पर उठा करके मैदान का चक्कर लगाया था। तो उस पल को लॉरियस ने सदी का मुझे बार बार आ रहा सदी ध्यान आ रहा खैर 20 साल का सदी का नहीं 20 साल का सबसे अच्छा खेल पल कहा था, सदी का नहीं 20 साल का सबसे अच्छा खेल पल कहा था। विजन एक मैगजीन है, क्रिकेट की मैगजीन है, इंडिया में एक मैगजीन छपती थी क्रिकेट की, उसका नाम था क्रिकेट सम्राट, खूब बिकती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में धीरे धीरे उसकी बिक्री जो है कम हो गई है, हम लोग बहुत खरीदते थे उसको, अब भी आती है शायद वो मैगजीन क्रिकेट सम्राट। तो उसी तरह से विजडन इंग्लैंड से छपती है ये मैगजीन, क्रिकेट की है, क्रिकेट की सबसे पुरानी मैगजीन है विजडन, और इसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। सवाल ऐसा आया था कि विजडन किससे संबंधित है, वो विजडन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। और लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में खेल का सबसे पुराना, क्रिकेट के खेल का सबसे पुराना मैदान है लॉर्ड्स, जहाँ पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट मैच भी खेला गया था, इसे हम कहते हैं क्रिकेट का मक्का, लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहते हैं। यहाँ पर खेलना, हर यहाँ पर टेस्ट मैच खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है लॉर्ड्स में। अब एक अवार्ड जो है अर्नेस्ट एंड यंग बिजनेस, अर्नेस्ट एंड यंग अवार्ड, ये बिजनेस के क्षेत्र के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस का सबसे बड़ा अवार्ड है ये अर्नेस्ट एंड यंग अवार्ड। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये नर्सिंग के लिए दिया जाता है, नर्सों को दिया जाता है, नर्सिंग क्षेत्र का या नर्सों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। फिर के बिरला फाउंडेशन बहुत सारे अवार्ड देती है, उसमें से जो लिटरेचर के अवार्ड हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। के बिरला फाउंडेशन लिटरेचर का जो अवार्ड देती है के अच्छा आप बताएं, भारत में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है लिटरेचर का? तो
गिग ज्ञानपीठ है ना, हाँ गिग ज्ञानपीठ नहीं ज्ञानपीठ, तो लिटरेचर का भारत में सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ। अच्छा लिटरेचर का इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा इमरान जी आप बताएं? बुकर। आप थोड़ा सा संतोष रखे करें, और जितना IQ आप यहाँ क्लास में लगाती हैं उतना एग्ज़ाम में लगाया करें, यहाँ शांत रखें। सर नोबेल है, ठीक है ना, है ना, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और किस में दिया था, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, है ना। तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये क्षेत्र अपने बड़े सबसे बड़े हैं, ठीक है, आगे ध्यान रखना। मैंने इसीलिए जानबूझ के पूछा, और मुझे पूरा भरोसा था कि आप बुकर बोलेंगे, ठीक है ना, पूरा भरोसा था मुझे आप बुकर बोलेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा ना, हमारी एक फैमिली डॉक्टर हैं, 10-11 साल से हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, उन्हीं के पास जाते हैं हम, क्योंकि उन्हें हमारी केस स्थिति पता है, यहाँ तक कि पारिवारिक स्थिति भी पता है, कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ना, सब पता है, तो उन्हीं के पास हम जाते हैं। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि अगर एक टीचर के पास 1.5 साल 2 साल आपने गुजार दिए हैं तो उसे जल्दी से आप ना छोड़ें। ठीक ना, कहावत है ना, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ, तो यही होता है, मैं आपकी वो टीचर जो है, आपसे आप टीचर से वाकिफ़ हो जाते हो, टीचर का मूड क्या है, क्या कह रहा है, और टीचर आपसे वाकिफ़ हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज मैं लेट आया, तो कोई बात नहीं, आप सह लेंगे, है ना, भी लेट आए हैं तो कल को जल्दी भी आएंगे, और फिर देर तक पढ़ाएंगे, है ना। तो यही होता है, बॉन्डिंग कहते हैं सर इसको, इसी को बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग का मतलब आप एक दूसरे को कितना समझ रहे हैं, बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं फेविकोल का जोड़ से चिपका दिया, है ना। बॉन्डिंग का की शर्त क्या है सर, बॉन्डिंग की, भरोसा, है ना। ओके चलें सर, जो आप लोगों को मुझ पर है ना, है हाँ ठीक है, ओके चलें सर। के बिरला फाउंडेशन लिटरेचर का, हाँ, तो भारत विश्व में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल, ठीक है ना, और उसके बाद भारत में साहित्य का लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ, के बिरला फाउंडेशन का लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है सरस्वती अवार्ड। अच्छा मजे की बात यह है कि इसमें 15 लाख दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानपीठ में 10 लाख दिए जा रहे हैं कैश। सरस्वती अवार्ड में 15 लाख हैं, ज्ञानपीठ भारत सरकार देती है उसमें 10 लाख हैं, लेकिन भारत में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ को ही कहा जाता है, प्रतिष्ठित अवार्ड वही है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कोई माफिया है इलाके का चर्चित माफिया, और उसने मुझे पुरस्कार दे दिया 1 करोड़ का, है ना, लेकिन वहीं पे भारत के राष्ट्रपति ने बुला करके मुझे व्यक्तिगत रूप से सम्मानित कर दिया, कुछ नहीं दिया, कैश नहीं दिया, व्यक्तिगत रूप से प्रशस्ति पत्र मुझे पकड़ा दिया, तो वो सम्मान बहुत बड़ा माना जाएगा ना, है ना, है ना सर। माफिया ने 1 करोड़ दे दिए, लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने हमें बुलाया और प्रशस्ति पत्र दिया, तो वो सम्मान सबसे बड़ा माना जाएगा, है ना, सही कह रहे हैं सर, कोई गलत बात तो नहीं कह रहे। तो उसी तरह से ज्ञानपीठ जो है भारत सरकार देती है, ये भारत में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है, ज्ञानपीठ में 10 लाख रुपए और सरस्वती में 15 लाख। अच्छा सरस्वती अवार्ड जो है 1991 से दिया जा रहा है, कई बार पूछा है, 1991 से दिया जा रहा है, और ये पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ना, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। अच्छा अब इसमें देखो, अब ये तो आपको याद होना चाहिए कौन दे रहा है, कब से दे रहा है, कितने का दे रहा है, अब इसमें याद रहा किसे दिया जाता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है ना, 8वीं अनुसूची, अभी 15 दिन ऐसे चलेगा, है ना, उसके बाद फिर आप ही आप हैं, ठीक है, समझ में आ रहा बेटा, आ रहा है पक्की बात, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो उन भाषाओं में, उन 22 में से किसी एक भाषा में लिखी हो, ठीक है ना, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में किताब लिखी गई हो, और वो उसे छपे हुए 10 साल से ज़्यादा न हुए हो, ध्यान सुनना, उसे छपे हुए 10 साल से ज़्यादा न हुए हो, और मान लीजिए मैं हूँ राइटर, मैं हूँ, मेरी सैकड़ों किताबें हैं, लेकिन ये अवार्ड उसी किताब को मिलेगा जो मेरी पहली बार छपी थी, मेरी वो किताब जो पहली बार छपी थी और उसे छपे हुए 10 साल से ज़्यादा ना हुए हों, तो मैं कंसीडर किया जाऊँगा कौन से अवार्ड के लिए, सरस्वती अवार्ड के, और 22वीं अनुसूची किसी भाषा में शामिल हूँ, जैसे उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, उर्दू, पंजाबी, है ना, 22 जो भाषाएं हैं इनमें से किसी एक भाषा में लिखी गई हो और 10 साल से ज़्यादा ना हुआ उसे छपे हो, और जो भी राइटर है वो उसकी पहली किताब हो, मान लीजिए मैं राइटर हूँ तो मैंने बहुत सारी किताबें लिख दी हैं, लेकिन जो पहली किताब मेरी छपी थी उसी पे मिलेगा मुझे, अगर मिलेगा तो दूसरी, तीसरी या चौथी पे नहीं मिलेगा, कौन सा अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, ठीक है ना। फिर आता है व्यास अवार्ड, तो व्यास अवार्ड जो है इसमें क्या है कि सरस्वती अवार्ड आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, 22 भाषाओं से आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन व्यास अवार्ड में क्या है कि जो लेखक होगा वो केवल इंडियन होगा और भाषा कौन सी होगी, हिंदी। व्यास अवार्ड जो है केवल किसी इंडियन लेखक को मिलेगा और हिंदी भाषा की बुक को मिलेगा। उसी तरह से है बिहारी अवार्ड, तो जो बिहारी अवार्ड है उसका भी क्राइटेरिया वही है, 10 साल में पहली बार छपी हो, लेकिन
वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा कि बिहारी अवार्ड जो है किसी राजस्थानी राइटर को मिलेगा, उस राइटर को मिलेगा जो राजस्थान का हो और किस भाषा में छपा हो, राजस्थानी या हिंदी में, ध्यान रखना है। नहीं नहीं बिहारी, ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, ठीक है ना। क्या था वो याज्ञवल्क्य कौन सी संवाद था, क्या ज़्यादा मत बहस करो ना था तुम्हारा सर छोड़ दिया जाएगा। हाँ कुछ कह रही हैं, बोलें जल्दी बोलें, रिकॉर्डिंग भी है ना, जल्दी बोलें आप। नहीं आप ज़्यादा दिमाग मत लाओ, ये सही है। तो सरस्वती अवार्ड, सरस्वती अवार्ड किसी को भी, लेकिन 22 अनुसूची की भाषाएं होनी चाहिए, ठीक है। व्यास अवार्ड किसको, हिंदी भाषा को, पहली बार हिंदी भाषा में छपी हो, इंडियन लेखक को। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी को, राजस्थान या हिंदी भाषा में, राजस्थानी या हिंदी भाषा में छपी हुई पुस्तक को। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है तो आप देख लेना, अगर गड़बड़ हो तो हम इसको चेंज भी कर देंगे, लेकिन ये सही है। ओके क्लियर है भाई, यहाँ पे कुछ पूछना है। 10 साल से ज़्यादा ना हुए हूँ, पहली बार छपी हो, बिहारी राजस्थानी और हिंदी भाषा में, किसी राजस्थानी राइटर को। व्यास केवल हिंदी भाषा में, केवल इंडियन राइटर को, किसी भी इंडियन राइटर को। और सरस्वती 22 में से कोई भी एक भाषा, किसी भी देश का राइटर वो हो सकता है सरस्वती अवार्ड, ठीक है। अब साहित्य अकादमी को अवार्ड कौन देता है, हर साल 22-23 लोगों को मिलता है, भारत सरकार देती है। अच्छा साहित्य अकादमी जो अवार्ड जो देती है भारत सरकार, साहित्य अकादमी अवार्ड जो भारत सरकार देती है वो किसे देती है, 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं वो, इसके अलावा नेपाली और इंग्लिश, ये सवाल आता है, ध्यान रखना। ऐसे आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। साहित्य अकादमी भारत सरकार देती है, 22वीं अनुसूची की भाषाएं तो है ही हैं, इसके अलावा अंग्रेजी और नेपाली के लिए भी ये दिया जाता है। 22वीं अनुसूची में नेपाली है क्या, आप लोग देख लेना, मैं बहुत सारा रिजिड नहीं हूँ। 22वीं अनुसूची की सारी भाषाएं और अंग्रेजी और नेपाली, ठीक है। ओके चलें भी आगे, तो मैंने यहाँ लिखा भी है साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ, ओके के बिरला फाउंडेशन का साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड सरस्वती, क्लियर है। ओके पहला सरस्वती मैंने हाँ लिख भी दिया, अमिताभ बच्चन जी, सॉरी हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था पहला सरस्वती अवार्ड लिटरेचर का। और उर्दू का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है, सॉरी मैं फिर से थोड़ा सर रोकने मैं हगलाने लगा, तो हाँ इसकी बात हो रही थी। तो जो पहला सरस्वती अवार्ड दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था साहित्य का, और जो पहला सरस्वती अवार्ड उर्दू के लिए दिया गया था वो था शमसुर रहमान फारूकी को। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है ये, मगर मैंने लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया। तो उर्दू के लिए साहित्य का सरस्वती अवार्ड जो सबसे पहला मिला था वो शमसुर रहमान फारूकी को मिला था। अच्छा एक सीधा सिंपल सवाल पूछता है वो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, संगीत के सबसे बड़े अवार्ड जो हैं ग्रैमी अवार्ड हैं संगीत का, जैसे लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड अभी आपको मैंने बताया, संगीत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड है, यूएसए में दिया जाता है, ठीक है। तब तो भारत के लिए सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था, एक आंसर देना एक ही बार, भारत के लिए सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था, यस एनीवन पंडित रविशंकर। चले तो टायलर अवार्ड ये यूएसए की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी देती है, टायलर अवार्ड जो है यूएसए की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी देती है, और इसे एनवायरनमेंट का नोबेल कहा जाता है, पर्यावरण का नोबेल, इस अवार्ड को एनवायरनमेंट का या पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। राइट लिवलीहुड अवार्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने फील्ड में बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर साल हर किसी को नोबेल नहीं दिया सकता। तो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनको नोबेल मिलना चाहिए था लेकिन हर किसी को नोबेल नहीं दिया सकता, तो उन लोगों के काम को सम्मानित करने के लिए लिवलीहुड राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया जाता है, जिसे कहा जाता है अल्टरनेटिव नोबेल या वैकल्पिक नोबेल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं वैकल्पिक नोबेल। ओके एवेल पुरस्कार मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, इसे कहते हैं गणित का नोबेल, एवेल अवार्ड गणित का नोबेल। अच्छा एक भारतीय गणितज्ञ थे शास्त्रा रामानुजम, भारतीय गणितज्ञ थे, अपने ज़माने के मशहूर गणितज्ञ थे, और संख्या सिद्धांत पर इन्होंने बहुत काम किया था, नंबर थ्योरी पर। मात्र 32 साल की उम्र में इनकी बीमारी से निधन हो गया था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर जो है कि ये तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी है, मैंने लिखा या नहीं लिखा अभी, तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी मैंने लिखा नहीं लिखा ना, हाँ तमिलनाडु में थंजावुर ज़िले में है शास्त्रा यूनिवर्सिटी के नाम से, ये ना तमिलनाडु में थंजावुर ज़िले में वो देती है तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा उसमें क्या है, ये अवार्ड जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, किसी को भी दिया सकता है चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, लेकिन ये अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाएगा। और उनकी 32 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, तो 32 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को ये अवार्ड नहीं दिया जाता, ध्यान रखना।
ठीक है ना, 32 साल से उम्र के ज़्यादा के को ये अवार्ड नहीं दिया जाता। क्रिस्टल अवार्ड जो है विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच देता है। ओके, फिर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर एक नया अवार्ड घोषित किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार नेताजी सुभाष। ये आपसे सिंपल सवाल पूछेगा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है किसके नाम पर है, तो एससी बोस के नाम पर, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ओके, अच्छा अब देखें, युद्ध में वीरता दिखाने के लिए, युद्ध काल में दुश्मन से लड़ते हुए वीरता दिखाने के लिए सबसे बड़ा अवार्ड आप जो जानते हैं परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, है ना, तीन अवार्ड हैं। अच्छा अगर अब सीमा पर नहीं लड़ रहे हैं आप, युद्ध नहीं हो रहा, शांति काल में वीरता के लिए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा दिया जाता है, अशोक चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र, और शौर्य चक्र के बाद कीर्ति चक्र। ठीक है, कीर्ति से याद आया, कीर्ति को फ़ोन मिलाओ, कहना सर आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाएंगे, आपको आ जाना चाहिए, ठीक है ना, अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र। ठीक है, अच्छा भारत में जो नागरिकों को दिया जाने वाला, किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, भारत सरकार भारतीय नागरिकों को जो अवार्ड देती है उसमें सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उससे छोटा है पद्म विभूषण, और उससे छोटा है पद्म भूषण। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है ना, चार अवार्ड हैं ये। सबसे पहले शायद 1954 में दिए गए थे ये अवार्ड, 1954 में। तो सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। अच्छा अब टाइम मैगजीन, अक्सर आप लोग सुनते हो टाइम मैगजीन जो अवार्ड देती है वो कोई कैश अवार्ड नहीं देती, टाइम मैगजीन जो अवार्ड देती है उसमें कोई कैश अवार्ड नहीं होता है। टाइम मैगजीन जो है जिसको अवार्ड देना चाह रही है उसे अपने कवर पेज पर छापती है, यही अवार्ड है उसका। टाइम जो है दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन्स में से एक है USA की, तो इसके कवर पेज पर छपना ही एक पुरस्कार माना जाता है, ठीक है साहब, उसी को वो कहती है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अच्छा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति हो, ये कोई घटना भी हो सकती है, ये कोई आपदा भी हो सकती है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर उस घटना को, व्यक्ति को दिया जाता है जो उस साल खबरों में रहा हो और उसने विश्व को प्रभावित किया हो, चाहे नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप से। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन को भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, तो वो दुनिया भर में चर्चा में रहा हो उस साल, उसने दुनिया भर में असर डाला हो और वो किस में रहा हो, खबरों में रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसी को हम कहते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, किधर गया, अच्छा अब एक फ्रांसीसी पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल मैगजीन है, फुटबॉल की मैगजीन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, तो वो फुटबॉल के क्षेत्र में अवार्ड देती है। अच्छा फुटबॉल के क्षेत्र में ये सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में ये अवार्ड जो है वो सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं। इसे आप फुटबॉलर ऑफ, पहले इसको कहते थे फुटबॉलर ऑफ द ईयर, अब इसे कहते हैं बैलन डी ओर अवार्ड। फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल नाम की है, ये अवार्ड देती है। तो इसमें जो है कि पुरुषों को दिया जाता है जो अवार्ड, उसे कहते हैं वैलन डी ओर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का जो अवार्ड है उसे कहते हैं वैलन डी ओर अवार्ड, और यही अवार्ड महिलाओं को भी दिया जाता है जिसका नाम कहते हैं वैलन डी ओर फेमिनिन। ये पुरुष फुटबॉलरों को किसका दिया जाता है, जिसका नाम था वैलन डी ओर, बाद में महिलाओं के लिए भी शुरू हुआ ये, तो उस महिलाओं को जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है वैलन डी ओर फेमिनिन। क्लियर है, वैलन डी ओर फेमिनिन क्लियर है। अच्छा इंदिरा गांधी अवार्ड किसके लिए, शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास। ऐसे लोग या ऐसी संस्थाएं या ऐसे देश जिन्होंने दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए, हथियारों को कम करने के लिए, निःशस्त्रीकरण का मतलब हथियारों को घटाना, हथियारों को घटाने के लिए और विकास के कामों में लगे रहने के लिए अपना योगदान दिया हो, उनको इंदिरा गांधी जी के नाम पर इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जाता है। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984 में, उसके बाद 1986 में यह अवार्ड शुरू हुआ था, 1986 में यह अवार्ड शुरू हुआ था, मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ 1986 में यह अवार्ड शुरू हुआ था। ओके, और इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है, भारत सरकार नहीं देती है इसको, इस अवार्ड को हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है। 1986 में यह पहला अवार्ड दिया गया था पार्लियामेंट्स फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है, पार्लियामेंट्स फॉर ग्लोबल एक्शन को 1986 में यह पहला अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा यूनिसेफ, राजीव गांधी, जिमी कार्टर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन
और शेख हसीना, शेख हसीना आप जानते हो किस देश की राष्ट्राध्यक्ष हैं? आप बताएं, आप बताएं, शेख हसीना आप बताएं, शेख हसीना हैं, हाँ आप बताएं, बांग्लादेश की है ना, शेख हसीना। और इला माने इला भट्ट, इला माने इला भट्ट, सेवा के संस्थापक हैं ये। इसरो को मिला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है ये अवार्ड, कौन सा? इंदिरा गांधी शांति अवार्ड। एक मिनट के लिए पॉज कर दीजिए, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। तो ज्ञानपीठ अवार्ड मैंने अभी पहले बताया वीडियो में आपको, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है भारत में साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है। एक गलती मुझसे हो गई, मैं वहाँ 10 लाख बोल गया था, ज्ञानपीठ अवार्ड में ध्यान रखना 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। मैं शुरू में 10 लाख रुपये कह गया, ज्ञानपीठ अवार्ड में जो इनामी राशि है वो 11 लाख रुपये की है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 से दिया जा रहा है, और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं उनमें से किसी भी एक भाषा के लिए दिया जा सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड। 1965 से दिया जा रहा है, ध्यान रखना। सरस्वती कब से दिया जा रहा है? 1991 से। क्वेश्चन पूछेगा भाई साहब कौन सा अवार्ड कब से दिया जा रहा है? खेल रत्न कब से दिया जा रहा है? तो अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड कब से दिया जा रहे हैं? बहुत मुस्कुरा रहे हो पीछे बैठ के, बताओ अर्जुन अवार्ड किस तरफ से दिया जा रहे हैं? खेल रत्न अवार्ड कब से दिया जा रहे हैं? नहीं पता। अर्जुन अवार्ड 1969 से, खेल रत्न 1991 से। पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न होते थे, अब हो गए हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो 1965 से दिया जा रहा है, इन चीज़ों को लिखो भी जो मैंने बताया, तुरंत लिखो 1965 से। तुम नहीं देखोगे वीडियो दोबारा, तुम लोग दोबारा वीडियो इसलिए नहीं देखोगे, तुमको ये लगेगा ना हमारे सामने तो बढ़ाया सर ने। हाँ, तो ज्ञानपीठ अवार्ड ये हो गया, 1965 से दिया जा रहा है। और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड, थोड़ा सा ये हर बार पूछेगा आपसे, पहला और अक्सर पूछता, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मलयाली भाषा के लेखक थे ये जी शंकर कुरूप, सबसे पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड था इनको दिया गया था। उसके बाद हिंदी में, हिंदी भाषा के लिए पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड आपके उत्तराखंड के थे, सुमिता नंदन पंजी गुसाई या गुसाई, 1968 में सुविधानंद पंत जी को दिया गया था। और आप लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये पूछें, आपसे पूछेगा कि किस बुक के लिए गया था, चिदंबरा के लिए, काव्य संग्रह था ये चिदंबरा, उसके लिए। दूसरा हिंदी के लिए दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था दूसरा। उसके बाद फिर मिलते रहे। उर्दू के लिए ये मिला था, उर्दू के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी। रघुपति सहाय अक्सर ये भी आता है, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी, उर्दू के लिए इनको मिला था ये। पहली महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड पाया वो थी आशा पूर्णा देवी, बांग्ला लेखिका हैं ये, थी तो निधन हो गया इनका, आशा पूर्णा देवी बांग्ला लेखिका हैं ये, पहली महिला जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड पाया आशा पूर्णा देवी ने। पहली महिला जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड पाया, हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली महिला थी महादेवी वर्मा। उर्दू के लिए, उर्दू के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली महिला थी कुरतुलुन, इनका नाम कुरतुल उन हैदर। उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने पाया था, ठीक है। अब एक सवाल और आता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है ये अवार्ड, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज ये स्वीडन का इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, ये एनजीओ है या स्वीडन की संस्था है, जो भी है स्वीडन का है ये इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। आपसे भी पूछे कि स्टॉकहोम वाटर अवार्ड किस लिए दिए जाते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के लिए जाते हैं और स्वीडन में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर दिया जाएगा या दिया जा रहा है। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर राष्ट्रीय एकता अवार्ड के नाम से अवार्ड शुरू किया गया है, और ये देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा, देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। इसकी घोषणा हर साल होगी 31 अक्टूबर को उनकी जयंती के पर, 31 अक्टूबर को हर साल उनकी जयंती होगी, उनकी जयंती के मौके पर ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और प्रदान पद्म लिखा मैंने कि जब ये, जब पद्म पुरस्कार दिए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड जिस दिन दिए जाएंगे उन्हीं के साथ। देखिए, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार पटेल जी के नाम पर, किसको? एकता अखंडता को बढ़ावा देने वालों को। घोषणा कब होगी? 31 अक्टूबर को उनकी जन्मतिथि पर। दिए कब जाएंगे? पद्म पुरस्कारों के साथ दिए जाएंगे, ठीक है, पद्म पुरस्कारों के साथ दिए जाएंगे ये। आगे चलें, अब इसमें यह है कि ये जो अवार्ड हैं, ये जो अवार्ड हैं एक बार में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिए जाएंगे। जैसे नोबेल अवार्ड है ना, 12-13 लोगों को दे दिए जाते हैं,
तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार एक साल में एक बार में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिए जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि ये विशेष अवसरों को छोड़ करके, किसी विशेष वजह को छोड़ करके आमतौर पर ये आफ्टर डेथ यानी कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार गांधी जी को नहीं मिला तो उसकी एक वजह ये है कि उनको किस कैटेगरी में दिया, शांति के लिए दिया जा सकता था, लेकिन जब तक डिस्कशन होता उनकी डेथ हो चुकी थी, और नोबेल अवार्ड जो है वो आफ्टर डेथ नहीं दिया जाता है, है ना। नोबेल अवार्ड गांधी जी को नहीं मिला है, गांधी जी से बड़ा शांति का पुजारी कौन था, है ना। तो खैर, तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है वो आफ्टर डेथ नहीं दिया जाएगा। अब एक अवार्ड हो रहा था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला था ये, इसको देता है बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन, समाज के लिए बेहतरीन काम करने के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन देता है। अच्छा, तमिलनाडु की शास्त्रा, हाँ ये लिखा तो है मैंने, शास्त्रा रामानुजम अवार्ड तमिलनाडु की शास्त्रा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु के थंजावुर जिले में है ये शास्त्रा यूनिवर्सिटी जो रामानुजम अवार्ड देती है, ठीक है। ग्रेटा थुनबर्ग, आज तो नाजिम भी नहीं है, चलिए, ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की हैं ये, आपको पता ही है, मात्र 14 साल की उम्र में चर्चा में आ गई थी, और एक दिन क्या किया था ये स्वीडन की संसद के बाहर हाथ में सिर्फ एक स्लोगन यानी कि तख्ती लेकर के बैठ गई थी, और किस लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, सांकेतिक धरना। उसके बाद धीरे धीरे इनका जो मिशन था आज पूरी दुनिया में है। अब इन्होंने अपने मिशन को जो नाम दिया है वो दिया है फ्राइडे फॉर फ्यूचर, यानी हफ्ते में एक दिन निकालिए आप, फ्राइडे का दिन निकालिए, और उस दिन आप पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम कीजिए, एक पूरी की पूरी मुहिम। अच्छा, ग्रेटा थुनबर्ग के नाम एक रिकॉर्ड और बन गया है, स्वीडन की हैं ये, दुनिया में सबसे कम उम्र की ये हैं जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनी है, सबसे कम उम्र की ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ध्यान रखना, भारत में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये, एक ही आदमी को दिया जाता है, एक से ज़्यादा को भी दिया जा सकता है साल में एक बार, है ना। दादा साहब फाल्के, आपको पता ही है दादा साहब फाल्के जो हैं भारतीय सिनेमा के जो हैं के फाउंडर हैं, है ना, भारत में सिनेमा की जो शुरुआत की है उन्होंने ही की है। 1913 में उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित पहली फिल्म, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद क्या हुई थी, क्या कहते हैं फिल्म को, रिलीज़ होते हैं ना हिंदी में, क्या कहते हैं फिल्म को रिलीज़ होने को हिंदी में क्या कहते हैं बताएं तो, प्रदर्शित हुई थी, है ना। तो 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद प्रदर्शित हुई थी जो बनाई थी दादा साहब फाल्के ने। आलमारा भारत की पहली फिल्म थी जो बोलती फिल्म थी, इसकी डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 1930 या 32 है, आप लोग देख लेना, है ना, भारत की पहली बोलती फिल्म थी ये, और इसके डायरेक्टर थे आदर्श ईरानी आलमारा के। खैर, तो राजा हरिश्चंद्र के नाम पर भारत में सिनेमा के पिता में उनके नाम पर 10 लाख रुपये कैश दिए जाते हैं, और दादा साहब फाल्के अवार्ड उसको कहा जाता है। पहला अवार्ड जो दिया गया था ये 1969 में दिया गया था, और ये दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी जो हैं वो, अच्छा पहले जब हमारे यहाँ, आप लोग सभी जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा आपको, पहले हमारे यहाँ जो फिल्में बनती, जैसे जब अभी हमारे बचपन में गाँव में जब होती थी ना रामलीला, तो रामलीला कौन सी विधा है, नौटंकी। नौटंकी किसी प्रदेश की सबसे प्रमुख नाट्य कला है, यूपी की, है ना। तो रामलीला भी नौटंकी का रूप है, ठीक है। उसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिएटर। नौटंकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिएटर। और थिएटर को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, रंगमंच, है ना। हाँ, है ना। तो गांव देहात में कहावत भी प्रचलित है ना कि क्या नौटंकी लगा रखी है ना, क्या नौटंकी लगा रखी है, तो ठीक है ना। तो नौटंकी विधा यूपी की सबसे प्रमुख विधा है, इसे आप रंगमंच या थिएटर भी कह सकते हो। तो कहाँ चला गया मैं बोलते बोलते, नाटकी नौटंकी पे कहाँ से आ गया मैं, सर कहाँ से आ गया नौटंकी पे मैं, हैं कुछ बता रहा था क्या। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे हमारे गांव में रामला होती थी ना, या और जगह भी रामला होती थी, तो वहाँ पर जो स्त्री कलाकार होते हैं यानी कि माता सीता कौन बनेंगे, कौशल्या कौन बनेंगे, तो जो महिलाएं नहीं करती थी, तो पुरुष जो थे वो स्त्रियों का मेकअप करके, स्त्रियों के कपड़े पहन के ये रोल प्ले करते थे, आज भी है। तो साहब फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, खास करके लड़कियों को तो पता ही नहीं। तो जो आप हीरोइन तो छोड़ो, चरित्र अभिनेत्रियाँ भी नहीं मिलती थी, तो जो पुरुष थे वही स्त्रियों का रोल करते थे, जैसे नौटंकी में होता था। तो देविका रानी जो थी वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने फिल्मों में काम किया, पहली फिल्म एक्ट्रेस, भारत की पहली फिल्म एक्ट्रेस, और भारत की पहली सुपरस्टार भी थी। लेकिन एक्चुअल जिसे सुपरस्टार कहते हैं ना, सुपरस्टार कौन हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे राजनीति में सुपरस्टार कौन है, मोदी जी, राहुल गांधी, है ना, और भी कई, योगी जी, है ना, योगी जी हैं, ओवैसी हैं, जिनके नाम पर भीड़ आकर्षित हो कि भाई आज मोदी जी यहाँ आ रहे हैं,
मोदी जा रहे हैं तो भीड़, मोदी जी आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं तो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भीड़ भागती है। इसी को हम कहते हैं सुपरस्टार। और मेगा स्टार कौन है? अमिताभ बच्चन जी, है ना, है ना। ओके, तो सुपरस्टार जो भीड़ को जिसमें खींचने की क्षमता हो। तो वैसे तो सुपरस्टार किसको कहा जाता? देवी ईरानी को। लेकिन एक्चुअली भारतीय सिनेमा जगत में जो पहली सुपरस्टार थी महिलाओं में, वो थी मीना कुमारी। उनके नाम पर लोग फिल्में देखने जाते थे। और पुरुषों में ये थे दिलीप कुमार, उनके नाम पर लोग फिल्में देखने जाते थे। आजकल कोई है सुपरस्टार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, शाहरुख ही। अब तो शाहरुख खान बचे हैं जिनके नाम पर लोग फिल्म देखने जाते हैं, इसके अलावा कोई बचा नहीं है। लेकिन एक चीज़ है ना कि भाई कोयल बहुत अच्छा गाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पक्षी गाएंगे ही नहीं, सब काम कर रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्में अच्छी हिट हो रही हैं, लेकिन बाकी भी काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ, मुझे एमी विर्क अच्छे लगते हैं, पंजाबी फिल्म एक्टर है ना एमी विर्क, गिप्पी ग्रेवाल, तो इनकी कॉमिक टाइमिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो अपना अपना है, ठीक है सर। खान साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मैं जाते ही नहीं उनकी फिल्में देखने। चलें, कहाँ थे? तो देविका रानी रोर, अच्छा शादी के बाद ही हो गई थी रोरिक, कि तो किसी रोरिक नाम के से इन्होंने शादी की थी। देविका रानी शादी के बाद हो गई थी, ये देविका रानी रोरिक। तो पहला 1969 में इनको मिला, ये सब मैंने आप, अच्छा सात हिंदुस्तानी क्या है ये मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पर। सात हिंदुस्तानी जो है अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म है। सात हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म थी ये। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने अलग से लिखी हैं, तो मुझे इसको यहाँ पर जाने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को मेकअप करना होगा, तो एक मिनट के लिए रोक दीजिए। तो चलिए, तो अब ये कुछ ना ट्रॉफी, कुछ चैम्पियनशिप के मैंने नाम लिख रखे हैं, तो आपसे पूछेंगे कि कौन सी ट्रॉफी या कौन सी चैम्पियनशिप किस एरिया में दी जाती है। तो जैसे देवधर ट्रॉफी, क्रिकेट की बात मैं करूँ, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, भारत में आपसे इनमें से पूछेगा। देखो यह है देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो भारत में घरेलू क्रिकेट की इसमें से सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी है इमरान जी? देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसमें से भारत में घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी कौन सी है? रणजी ट्रॉफी, ठीक है ना। ओके, वही महाराजा रणजीत सिंह वाले रणजी हैं ये। इसके अलावा देवधर, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। और मुश्ताक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये भारत में T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी है। भारत में घरेलू T20 टूर्नामेंट की सबसे बड़ी ट्रॉफी है, ध्यान रखना, घरेलू T20 टूर्नामेंट की सबसे बड़ी ट्रॉफी है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ओके, आगे चलें। अब डूरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है, लेवर कप गोल्फ में दिया जाता है, हॉपमैन कप महिला लॉन टेनिस का है। हॉपमैन कप किसका है? महिला लॉन टेनिस का है, ठीक है। इसको दोबारा वीडियो चला के लिख लेना घर में, है ना। और उसके बाद ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, ये बैडमिंटन की सबसे बड़ी चैंपियनशिप मानी जाती है। ऑल इंग्लैंड हर बैडमिंटन खिलाड़ी का सपना होता है कि मैं एक दिन ऑल इंग्लैंड जीतूँ। हर लॉन टेनिस खिलाड़ी का सपना होता है कि मैं एक दिन विंबलडन जीतूँ। हर एथलीट का सपना होता है कि मैं एक दिन क्या जीतूँ? ओलंपिक में गोल्ड जीतूँ, है ना। हाँ, तो ऑल इंग्लैंड जो चैंपियनशिप है वो बैडमिंटन की सबसे बड़ी चैंपियनशिप है। सैयद मोदी टूर्नामेंट, भारत के खिलाड़ी थे बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी भारत में बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, इनके नाम पर भारत में सैयद मोदी ट्रॉफी दी जाती है, बैडमिंटन की है ये। डेविस कप जो है लॉन टेनिस का वर्ल्ड कप है ये, डेविस कप जो है, ध्यान रखना, डेविस कप लॉन टेनिस का वर्ल्ड कप है। हॉपमैन कप महिलाओं की लॉन टेनिस की सबसे बड़ी इवेंट है, हॉपमैन कप। सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। एशेज ट्रॉफी आप लोग जानती हैं, किन दो देशों के बीच खेली जाती है, क्या नाम तुम्हारा सायना? एशेज ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? एशेज ट्रॉफी के लिए कौन से दो देश खेलते हैं? अच्छा, एक ट्रॉफी और क्रिकेट में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसके लिए कौन से दो देश खेलते हैं? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, कोई बात नहीं, थोड़ा खेल वेल भी ध्यान दिया करो, है ना। ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दो, और जो दो घंटे ट्यूशन पढ़ा रहे हो उसका अखबार पढ़ो। हाँ, उस दो घंटे में अखबार पढ़ो, मजाक नहीं, अखबार पढ़ो, टीवी देखो, ट्यूशन मत पढ़ाओ। तो हाँ भाई, एशेज ट्रॉफी इमरान जी किन दो देशों के बीच खेली जाती है? टेस्ट मैचों की सीरीज होती है एशेज। हाँ, तुम्हें नहीं पता? हाँ, सच में नहीं पता? तुम बताओ, तुम तो क्रिकेट देखती हो मेरे साथ खूब बैठ के। अरे, वो IPL में नहीं खेलेगा, वो एशेज की तैयारी कर रहा है। अरे गीता, राबिया, अरे
इसी पर कहते हैं मर जाओ डूब के चुल्लू भर पानी में। एसेज ट्रॉफी जो खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एसेज है ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में प्रतिद्वंदता ऐसी है जैसे भारत पाकिस्तान की, श्रीलंका बांग्लादेश की, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की। बस श्रीलंका बांग्लादेश का आपस में कोई झगड़ा भी नहीं है, वो भाई वो है ना सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा कहावत है ना, यानी कि बेवजह लड़ना, सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा है ना, बेवजह लड़ना। तो श्रीलंका बांग्लादेश वाले वैसे ही लड़े फिर रहे हैं, मरे फिर रहे हैं। खैर, तो नियमित टेस्ट सीरीज होती है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जिसे एसेज सीरीज कहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ लिखते हुए सोच रहा था ये तो तुम्हें पता ही होगा है ना, चलो लिख देते हैं, ओके कोई बात नहीं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच में होती है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, मैंने इन्हें खेलते हुए देखा, खूब देखा, एलन बॉर्डर ये ऑस्ट्रेलिया कप्तान रहे, इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। ऑस्ट्रेलियन टीम को इस्टेब्लिश करने का श्रेय इनको दिया जाता है, जैसे भारत में क्रिकेट टीम को बनाने का श्रेय दिया जाता है सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली कपिल देव जी भी हैं, लेकिन भारतीय टीम को जो विजेता बनाया, जुझारू बनाया, सौरभ गांगुली ने बनाया। सौरभ गांगुली ने जो विरासत तैयार की थी वो धोनी साहब को मिली है ना, और फिर धोनी के समय में जो प्रोग्रेस हुई आज उसकी फसल काट रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो खैर, तो कहाँ थे, तो बॉर्डर जो एलन बॉर्डर हुए ऑस्ट्रेलिया के, और सुनील गावस्कर साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सुनील गावस्कर साहब का निकनेम क्या है? लिटिल मास्टर। और मास्टर ब्लास्टर कौन हुए? सचिन तेंदुलकर। गॉड ऑफ क्रिकेट कौन हुए? सचिन तेंदुलकर है ना, ध्यान रखना, ये सवाल पूछे जाते हैं भाई। खैर, गॉड ऑफ क्रिकेट तो नहीं पूछा गया, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर ये जो हैं पूछे जाते हैं। तो खैर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। बिग बैश लीग, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट का आईपीएल होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का टूर्नामेंट होता है, उसे कहते हैं बिग बैश लीग, ठीक है। अब शुरू होने वाला है। आगा खां कप किस में दिया जाता है? आगा खां कप है, आगा खां कप फुटबॉल के लिए, आगा खां कप, ठीक है। सुबुत्रो कप फुटबॉल के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। ये बालक, मैं ना आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, आगा खां कप जो है फुटबॉल में है या हॉकी में, एक जल्दी से एक बार सर्च कर लेना कोई लोग, आगा खां कप वैसे फुटबॉल में ही है लेकिन मैं गलत ना बता दूं कहीं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। थॉमस कप पुरुषों के बैडमिंटन है जी, हॉकी के लिए, आई एम सॉरी, आगा खां कप जो है वो हॉकी के लिए, HOCKY हॉकी। देखिए, जहाँ पर गड़बड़ होती है ना, तो वो जिसे कहते ना छठी इंद्रिय है, वो कोरेदने लगती है क्या, कुछ गड़बड़ है। हाँ, और ये गड़बड़ी आप जो पकड़ते हैं तजुर्बे से पकड़ते हैं। तो आगा खां कप हॉकी के लिए, ध्यान रखना। थॉमस कप बैडमिंटन का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, और बैडमिंटन का ही एक और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है उबेर कप। तो उबेर कप महिलाओं को दिया जाता है, और थॉमस कप जो दिया जाता है वो पुरुषों को दिया जाता है, ठीक है। आगे चले, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार देती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार देती है ये, और ये अवार्ड जो है ये 1995 से, वर्ष 1995 से दिया जा रहा है ये अवार्ड, वर्ष 1995 से दिया जा रहा है। और पहला अवार्ड जो दिया गया था ये तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे को दिया गया था, गांधी शांति अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति अवार्ड। देखो, कन्फ्यूज मत करना, ये महात्मा गांधी के नाम पर है, महात्मा गांधी शांति अवार्ड या अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति अवार्ड, ये महात्मा गांधी के नाम पर है, भारत सरकार से देती है। पहली बार 1995 में दिया गया था जूलियस नेरेरे को, 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। राइडर कप गोल्फ का है। कोपा कप अमेरिका की जो फुटबॉल की घरेलू प्रतियोगिता है उसे कोपा कप कहते हैं, अमेरिकी फुटबॉल की प्रतियोगिता है ये। राइडर कप गोल्फ का है, जैसे इधर था लेवर कप गोल्फ का। बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये फुटबॉल की, भारत में फुटबॉल की जो वुमेंस चैम्पियनशिप होती है, फुटबॉल की वुमेंस चैम्पियनशिप जो भारत में होती है उसे हम कहते हैं बेगम हजरत महल ट्रॉफी। गौरी लंकेश, इनकी हत्या हुई थी, पत्रकार थी ये, इनके नाम पर पत्रकारिता में अवार्ड दिया गया। पहला गौरी लंकेश जो पत्रकारिता अवार्ड दिया गया था वो रवीश कुमार को दिया गया था, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड 1991 शुरू हुए थे, पहले इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, अब इनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद का निकनेम है दद्दा, ठीक है। अर्जुन अवार्ड खेलों के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड, और इन्हीं के साथ दिए जाते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है? जो खेलों के कोच होते हैं, प्रशिक्षक। अच्छा, इन्हीं अवार्डों के साथ एक अवार्ड और घोषित होता है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड। वो एडवेंचरस खेल यानी कि साहसिक खेलों के लिए दिया जाता है, तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुई है साहसिक खेलों के लिए।
गौरी लंकेश पत्रकारिता के लिए जाता है। ग्लोबल 500 अवार्ड जो है पर्यावरण के लिए, बाटर प्राइस पर्यावरण के लिए, बाटर प्राइस गोल्डन ग्लो क्या है ये, ग्लोबल 500 प्राइस जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है, भारत सरकार देती है। 45 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। प्रवासी अवार्ड, प्रवासी भारतीय पुरस्कार भारत सरकार देती है, ठीक है। और अच्छा ये मैंने लिखा ना पंजाबी, ये दूसरा इधर देखो जो आपका क्या है ज्ञानपीठ, पहला हिंदी के लिए पहला पंजी को और हिंदी के लिए दूसरा दिनकर जी को मिला था, और पंजाबी भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड पहली बार जो मिला था अमृता प्रीतम जी को मिला था, ठीक है। अंग्रेजी के लिए जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो मिला है अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए, ठीक है। एक शब्द और मैंने लिख दिया यहाँ पर, शब्द सा अमर उजाला, साहित्य के लिए अमर उजाला अखबार अवार्ड देता है जिसको उन्होंने नाम दिया है अमर उजाला शब्द सम्मान, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास को मैं क्या नाम दूँ, ना मैं इसको करेंट कह सकता हूँ ना कुछ कह सकता हूँ, ये हमेशा आपके साथ चलेगी। तो जो आपके साथ हमेशा चले तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई उसको, क्या कहेंगे, एक वो गज़ल भी है, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे। तो मैं इस क्लास का नाम हम नफस ही रखूँगा, ठीक है। चलिए साहब इसको सेव कर दीजिए, हम नफस गज़ल सम्राट किसको कहते हैं, जगजीत सिंह जी को कहते हैं ना, और गज़ल क्वीन किसको कहते हैं बताइए, नहीं चित्रा सिंह नहीं, गज़ल क्वीन आप बताइए, ठीक है। थैंक यू।